साइक्लोन के दबाव के चलते मेरठ में फिर से ठंड कम, तापमान में वृद्धि। अधिकतम तापमान जहां इस समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा आज हुआ है। न्यूनतम तापमान इस समय वर्तमान में 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि पिछले दिनों की अपेक्षा बढ़कर 3 डिग्री बढ़ चुका है। हालांकि न्यूनतम तापमान मेरठ में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, जिसके चलते ठंड में भी काफ़ी इजाफा हुआ था और शीतलहर भी मेरठ में चलने लगी थी। लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बन रहे साइक्लोन के दबाव के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगे मथुरा से लेकर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ठंड का प्रकोप कुछ कम माना जा रहा है कि आगामी 10 दिसंबर तक इसी तरीके से मौसम में हल्की सी गर्माहट बनी रहेगी। 10 दिसंबर के बाद ठंड पूरे अपने प्रकोप पर होगी। देखिए किस तरीके से पूरा मौसम साफ, आसमान में बादल साफ और धूप भी जो है आज कुछ चुभती चुभती सी प्रतीत हो रही है। जहां छतों पर महिलाएं धूप सेकने के लिए बैठ जाया करती थी, बुज़ुर्ग भी धूप का आनंद लेते थे ठंड में, वहीं धूप की तेज़ी के कारण लोगों ने बैठना बंद किया। इस समय हवा की रफ़्तार भी उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी की अमूमन होती थी। इस समय हवा की रफ़्तार मेरठ में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और आर्द्रता 60% तक। कृषि अनुसंधान संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष के अनुसार साइक्लोन के दबाव के कारण ही इस तरीके का माहौल वातावरण में बना है, जिसके चलते जलवायु में यह परिवर्तन हल्का सा हुआ है। यह परिवर्तन हालांकि स्थायी नहीं है, एक आध दिन में ही ये परिवर्तन फिर से बदलेगा और फिर से ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट का दौर जारी होगा। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।